टू श्रीजी फूड हूँ छू मनीषा ठक्कर। आज आप बनावीशु बहार मळे एवा एकदम सरस मसालेदार अने क्रिस्पी एवा दाळ वड़ा। तो चालो आने बनाववानुं शरू करिए। दाळ वड़ा बनावा माटे एक मोटो वाटको मगनी मोगोर दाळ लीधी छे। जे फोतरा वगरनी दाळ आवे ए उपयोगमां लेवानी छे अने ग्राममां लगभग 600 થી 650 ग्राम जेटली दाळ छे। आने एक मोटा वाटकामां के तपेलीमां लईने पाणीथी 2 થી 3 वार सरस रीते धोई लेवानी। दाळने सरस रीते धोई लईए पछी एमां पाणी उमेरीने दाळने 6 થી 8 कलाक माटे अथवा तो जो सवारे नास्तामां दाळ वड़ा बनाववाना होय तो तमे दाळने रात्रे पण पलाळीने राखी शको छो। दाळने ज्यारे पलाळो त्यारे पाणीनी क्वोंटिटी वधारे राखवानी, केम के जेम जेम दाळ पलळशे एम आमां पाणी ओछुं थवा लागशे। तो आने ढांकीने साइडमां मूकी देवानुं छे। 5 થી 6 कलाक पछी हवे आ दाळ सरस रीते पलળી गई छे। दाळ सरस रीते पलળી जाए एटले आमांथी 2 થી 3 चमची जेटली पलाळेली दाळ एक वाटकीमां लई लेवानी छे। तो आ दाळने साइडमां मूकी देवानी छे अने बाकीनी जे दाळ छे एने आपणे वाटवानी छे। हवे दाळनुं पाणी नितारीने एने एक मिक्सर जारमां लई लेवानी। पछी आनी साथे समारेला लीला मरचा, थोड़ा तीखा होय एवा मरचा लेवाना, थोड़ी कोथमीर अने थोड़ुं जीरुं उमेरीने आने वाटी लेवानुं छे। साथे ज आमां आदुना थोड़ा टुकड़ा उमेरीने आने करकरुं वाटी लेवानुं छे अने आने वाटती वखते खूब ज ओछा पाणीनो उपयोग करवानो छे। वाटेली दाळने एक वासणमां लई लेवानी अने आटली दाळ वाटवामां मैं फक्त 2 नानी चमची जेटलुं ज पाणी उपयोगमां लीधुं छे। तो आ रीते एने करकरुं वाटवानुं, साथे ज आ खीरुं घट होवुं जोईए। हाथथी तमे आने चेक करो त्यारे झीणी सोजी जेवुं आनुं टेक्सचर तमने लागशे। आ ज रीते जे बाकीनी दाळ छे एमां पण आलू, मरचां, जीरुं अने कोथमीर उमेरीने एने आ रीते ज वाटी लेवानुं छे। तो आ रीते बधी दाळ वाटीने तैयार करी लीधी छे। हवे जे पलाळेली दाळ राखी हती ए आमां उमेरी देवानी। साथे ज काचुं जीरुं उमेरवानुं छे। आपणे जीरुं वाटवामां तो उमेर्युं छे, अहींया आखुं जीरुं 1 चमची जेटलुं उमेरवानुं। स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी देवानुं। पछी आमां थोड़ी झीणी समारेली कोथमीर उमेरवानी छे। हवे आ बधी वस्तुने हाथथी सरस रीते मिक्स करी देवानी अने मिक्स थई जाय पछी आ रीते खीराने 4 થી 5 मिनिट माटे फेटवानुं छे। आ प्रोसेस करवाथी दाळ वड़ा उपरथी क्रिस्पी अने खावामां एकदम सरस सॉफ्ट बनशे। 5 मिनिट पछी हवे आ खीरुं सरस रीते फेटाई गयुं छे। गरम तेलमां डायरेक्ट आमांथी दाळ वड़ा बनाववाना छे। तो तेल सरस रीते गरम थई जाए एटले आ रीते मीडियम साइजना आमांथी दाळ वड़ा बनाववाना छे। हवे आने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राय करवाना छे। तमारे दाळ वड़ाने आ रीते अधकचरा तळीने राखवा होय तो पण राखी शको अने ज्यारे तमारे एने खावा होय के कोई मेहमान आववाना होय ने ए टाइमे सर्व करवा होय त्यारे फरीथी तमे एने तळीने सर्व करी शको छो। तो दाळ वड़ाने आवा सरस गोल्डन ब्राउन कलरना अने एकदम सरस क्रिस्पी तळवाना छे। दाळ वड़ाने एक थाळीमां के कोई मोटा वासणमां लई लेवाना छे। आ दाळ वड़ा उपरथी एकदम सरस क्रिस्पी अने खावामां खूब ज सरस टेस्टी बने छे। आ दाळ वड़ाने अत्यारे तळेला मरचानी साथे सर्व कर्या छे। अत्यारे जे माप लीधुं एनाथी तमे 4 થી 5 व्यक्तिने सर्व करी शको एटला दाळ वड़ा बनीने तैयार थाय छे। तो तमे पण आ रीते दाळ वड़ा बनावीने जरूर ट्राय करजो। आई होप तमने मारी आजनी रेसिपी पसंद आई हशे। आवी ज बीजी रेसिपी जोवा माटे चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलशो।